hello students today we are going to start new poem the poem mountain and the squirrel okay the mountain and the squirrel is a poem by the american poet philosopher ralph waldo emerson the poet through this poem of a proud mountain and a little squirrel tries to illustrate that everything in this world is uh, properly arranged and well balanced in the poem the mountain and the squirrel had a fight one day the gigantic mountain called the little squirrel, the little pride. The squirrel, who is being called Bun, answers that even though the mountain is very big, but for the world to function, a wide range of things and conditions need to be considered together. The squirrel finds no disgrace in being so small. He says, that if he is not as large as the mountain, the mountain is also not as small as the squirrel and not even the energetic. He also says that he cannot deny that the mountain has pretty squirrel tracks. He points out that the talents of both the squirrel and the mountain are unique. If he can't carry the forest on its back, even the mountain can't crack open a small nut. Okay, now come to the uh, poem. the mountain and the squirrel the mountain and the squirrel had a quarrel dono uh, mountain aur squirrel ke beech mein ek quarrel tha ek problem thi ek jhagda tha and the former called the later little, little prig बन replied. उस former यहाँ पे आ, uh, इसको कहा जा रहा है किसको माउंटेन को वो आ, uh, उसको बोलता है स्क्वेरल को लिटिल प्रिक तो फिर बन बन यहाँ पर स्क्वाल को बोला गया है वो रिप्लाई करते हो यू आर डाउटलेस वेरी बिग उसने बोला इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम तो बहुत बड़े हो बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अयर एंड अ स्फेयर उससे कहते हैं लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ से ही एक वेदर बनता है और उससे हर चीज़ मिला कर के एक साल बनता है और इन सभी चीज़ को मिला के एक फेयर स्फेयर मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड बनता है एंड आई थिंक इट नॉट डिस्क्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस उसने बोला कि हाँ इसमें कोई भी डिस्क्रेस नहीं है मेरी प्लेस को ऑक्यूपाई करने में वो बिल्कुल भी डिस्क्रेस नहीं करती है अपनी प्लेस को ऑक्यूपाई करने में इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई उसने लेकिन अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो एंड नॉट हाव सो स्प्रा स्प्राई उसने बोला तुम यहाँ कि मेरे जितने छोटे और एनर्जेटिक भी नहीं हो मेरे आधे भी नहीं हो आई एल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रटी स्क्वायरल ट्रैक हाँ और मैं इस बात को भी डिनाई नहीं करती कि तुमने हमारे लिए एक सुंदर सा बढ़िया सा एक स्क्वाल ट्रैक मतलब एक स्क्रल जहाँ पे उतरती चढ़ती हैं जहाँ से चलती हैं वो बनाया है टैलेंट्स डिफर उसने बोला जो टैलेंट्स हैं वो अलग अलग है ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट और सभी का बढ़िया और एक समझदारी की तरह है उसने कहा इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरड्स ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नेट उसने कहा अगर मैं फॉरड्स को बैक पर अपने नहीं रख सकती नहीं उठा सकती तो तुम भी एक नट को अपने क्रैक नहीं कर सकते मतलब उसे तोड़ नहीं सकते फोड़ नहीं सकते ओके थैंक यू स्टूडेंट्स